प्रथम ऐसा है ना कि जब तक हम घर में बैठे हैं और ये आशा करके बैठे हैं कि जंगल का शेर मुंह खोल के बैठा रहे और हिरन आके अपने आप मुंह में घुस जाएंगे, तो ये कभी नहीं होता है। हिरन शेर को तो मेहनत करना पड़ेगा अगर हिरन शिकार करना है तो। दूसरा ये है कि पहले ये समझिए मकर राशि का, धनु राशि का और कुछ हद तक कुंभ राशि का, है ना। ये तीनों अफेक्टेड इन्फेक्टेड बाय शनि साढ़े साती एंड आने वाला टाइम में मीन वालों का स्टार्ट होगा। तो जब भी शनि का ऐसा स्थिति होता है लग्न में, द्वादश में या द्वितीय में गोचर करते हैं, तो सबसे पहला इम्पैक्ट ये होता है कि आपके तरफ का प्रोग्रेस सिस्टम को लॉक किया जाता है। यानी आपको कोई देखेगा नहीं, आपका कोई औकात रहेगा नहीं। आप मतलब हजार उजाले में भी आप अंधेरे में हो। आपका जो दिखना चाहिए, जो आपका लाइट है, वो शनि के कारण या शनि के गोचर के कारण वो लाइट कम हो जाते हैं। तो बुद्धिमत्ता तो यही है कि आपको बारंबार प्रयास करना है, चेष्टा करना है और आपको कन्विंस करके समझाना है। लोग समझेंगे नहीं, ये सत्यनारायण व्रत कथा में भी लिखा है कि जब आपका शनि चलता है ना, तो आप पॉजिटिव हो, आपके तरफ सब कुछ है, आप न्याय में हो, आप गलती नहीं किए हो, लेकिन हाथ जोड़ के अगर आदमी को रिक्वेस्ट करोगे, सर पीट दोगे, तो भी लोग ना आपको सुनेंगे ना समझेंगे, और समझ लिए तो ना मानेंगे, और ना मान लिया तो भी एक्सेप्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सर? इससे थोड़ा आगे चलते हैं। जब भी आपका शनि साढ़े साती हो, ढैया हो, दशा अंतरदशा हो, शनि बाबा कहते हैं कि आप अपने अहंकार घमंड को तोड़ो, छोड़ो और हाथ फैला के आगे जाओ। लेकिन अगर आप अपने घमंड में, जिद में, अहंकार में रहोगे तो आप तक तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये दूसरा पार्ट। तीसरा, मेरे जीवन का साढ़े साती के समय मैं क्या किया था सुनो। मैं एक कथावाचक हूँ, अच्छा स्पीकर हूँ, मेरे पास एक समय में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे टॉक्स मिलते थे, ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, ऑफिस, इंडस्ट्रियल लेवल पे, यूनिवर्सिटी में मैं क्लास लिया, आगरा यूनिवर्सिटी में लिया, आगरा का आयुर्वेद कॉलेज में लिया, आगरा नहीं, झांसी का आयुर्वेद कॉलेज में, तो मेरे को ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड मिलता था। मेरे ऊपर जब शनि का साढ़े साथी हुआ, मेरे को मिला नहीं, ठीक है ना। तो मैं पीछे नहीं बैठा। मैं क्या क्या सुनो, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस, मैं नेट में जितने वेबसाइट्स थे और जो टारगेट को मैं फोकस करता था, सबके वेबसाइट में जाके मेल आईडी में मेरा बायोडाटा, वर्क एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंस, यूट्यूब का लिंक्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का क्लास लेने का लिंक, सारा सर्टिफिकेट जितना था, मेरा 225 सर्टिफिकेट है, सबको फ़ोटो उठाया और भेजा, मेल किया। आज के डेट में मेरे को बुला रहे हैं और मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब अब समझ में क्या क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? आप जो प्रश्न किए समझ में आ रहा है ना, क्या बोले? आप ये बोल रहे हो कि मैं बैठा रहूँ आएगा, और मैं अप्लाई किया, अप्लाई किया, इतना अप्लाई किया, मैं उस समय उनको सबसे मिनिमम रेट में क्लास दे रहा था। आज के डेट में वो लोग 11 गुना ज़्यादा पेमेंट, माने जो चीज़ 1300 रुपया पर आवर था, उसको 11 गुना ज़्यादा देखे बुला रहे हैं, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास आज के डेट में इतने काम आ गए हैं ना, इतने कि मैं वो रेट मुझे पूछा नहीं रहा है। तो कब हुआ? मैं जब अप्लाई किया तब हुआ, या मैं अपने घमंड में, जिद में रहता तो होता? कॉन्सेप्ट क्लियर?
हाँ।